जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधा श्याम। आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के बारे में सुन लीजिएगा। 14 फरवरी को बसंत पंचमी है और दिन भी बड़ा होता है, बुधवार के दिन पंचमी चल रही है। दशमी के दिन माँ भगवती सरस्वती के जन्म की बात कही जाती है कि माँ भगवती सरस्वती प्रकट हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा वरदान सुंदर दिया है। जो इस तिथि में माँ शारदा का वंदन पूजन करेगा उसके पास संपूर्ण विज्ञान चल जाएगा। विद्या समस्ता विद्या की गोभाव भी उसके पास चल कर जाएंगे। मरकंड पुराण का श्लोक है, विद्या समस्ता सभी विद्याएं, सभी विद्याओं का वेद खुलकर उनके पास में आ जाएगा। इसलिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें भी माँ सरस्वती का वंदन और पूजन करना चाहिए। इसे बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ हर प्रकार से आपको श्री सम्मान दिलाने वाला है। इसलिए बड़े कोई भी हैं माँ शारदा को सब वंदन प्रदान करे। इतने यज्ञों भी तो होता है, जनेऊ की बड़ी महिमा है। पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, पीले ही भोग लगाया जाता है। माँ को भूमि का भोग लगाया जाता है, पीले लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, मालपुआ का भोग लगाया जाता है और रस खीर का भोग भी, गन्ने के रस की खीर बना करके भी भोग लगाया जाता है, उसको बड़ा विशेष माना गया। तो इस वीडियो में मैं बच्चों के लिए सरस्वती मंत्र भी निवेदित कर रहा हूँ। बच्चों को आप ये मंत्र सुनाइए जिससे विद्या मस्तिष्क में आकर्षित होती है। बसंत पंचमी का बड़ा आदर करता हूँ और मेरी फेवरेट तिथियों में से है, क्योंकि मैं माँ शारदा को मानता हूँ। शारदा को वाणी की देवी कहा गया है, सुना की कृपा होती है तभी हम कुछ बोल पाते। आइए मैं मंत्र सुना रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महासरस्वती, ओम एंड ह्रीम श्री महासरस्वती नमः, ओम एंड ह्रीम क्लीम श्री महासरस्वती नमः। ये सरस्वती मंत्र है और इसको जपने से निश्चित रूप से माँ शारदा बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन पीले वस्त्र पहन करके पूजन कीजिएगा, पीत वस्त्र पहन करके पूजन करिए। माँ कृपा कर दे, वीड़ा धारणी माँ कृपा कर दे, किसी भी कर सकती है। इसमें बाथरूम में वीड़ा का पूजन भी होता है। इसमें माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति के पास धन हो, वाणी नहीं हो, क्या है फिर उसके पास में, इसलिए जिसके पास बढ़िया वाणी है उनको दुनिया में आदर भी होता है, मान भी होता है, सम्मान भी होता है। नवरात्रा चल रही है, श्री दुर्गा सप्तशती का जो दूसरे नंबर का अध्याय है वो इसी से ही है, माँ सरस्वती से ही है। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शब्दरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ऐसी माँ भगवती जिसकी कृपा के द्वारा वाणी सिद्ध हो जाती है, तो आप पीत पुष्पों से माँ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहन करके पूजन करें और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों का आप माँ को भोग लगाएं और बच्चों को यह सरस्वती मंत्र सुना दें। आप हर प्रकार से सरस्वती पूजन माँ का कीजिए, इससे विधाता ब्रह्मा भी अपने आप में अति प्रसन्न होते हैं। और बताया जाता है कि जो माँ सरस्वती के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, उसकी वाणी कटुता के नहीं बोल सकते। ऐसी वाणी बोलिए मन का पापोए और अंग को शीतल करे आपको शीतल हो। ये तब होगा जब माँ भगवती माँ शारदा की कृपा होगी। सरस्वती माता हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, तेरा धरते मैया वंदन करते हैं, मेरी माँ शारदे भवानी तेरा वंदन करते हैं। सभी देशवासियों को श्री दिवस बसंत पंचमी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं।
इसमें माँ को रसखीर का भोग जरूर लगाएं, जिसमें गन्ने के रस से खीर बनाकर माँ को भोग लगाया जाता है। हम अभी इस समय हम वृंदावन में ही रसखीर का बहुत बड़ा कार्यक्रम पास में पहुंचा रहे हैं कि नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, घी का दिया जलाइए, आपको बढ़िया से बढ़िया करने की ताकत आपका मस्तिष्क आपको देगा। आप मेरे आग्रह निवेदन पर करके देखिए, थोड़ी देर का कितना है, 33 तो श्लोक ही है उसमें। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, घी का दिया जलाइए, स्नान करने के बाद थोड़ा आसन पर बैठिए और नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। रात्रि को गलत स्वप्ने आए होंगे तो उसको भी दोस्त को समाप्त कर देगा, और सबसे बड़ी बात है ये दरिद्रता को समाप्त कर देगा, कितना भी ऋण हो ऋण मुक्त कर देगा। ये गजेंद्र मोक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। जो भी कोई वस्त्र में लपेट करके अपने घर में रखता है इस महापुराण को, उसके घर में अलाय बलाय जादू टोना टोटका किसी की महामारी ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलता। यह बड़ा प्रभाव है। गंगा दाह पुण्य नदेश सप्त पूरी हो गया तथा एतस्य पुराण से समताम यांत न क्वचित। सात नदियों में, सप्त नदी है, सात नदियों में स्नान करने से और गया जी में श्राद्ध पिंडदान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, सिर्फ एक मुहूर्त एक घंटा 24 मिनट से पुराण की कथा सुनने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है। तीन नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया कि जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा धरती पर किसी भी वस्तु से उस जीव को असमर्थ नहीं रहने देता, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है इस श्लोक में। 103 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है यह। इसमें वर्णन है जो भगवान को भोग लगाते हैं, परमात्मा उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। जन्म जंतु मृत्यु जन्म प्रसाद प्रपद्यते, जन्म मरण के बंधन से बचने के लिए हर व्यक्ति को भगवान के चरणों से जुड़ करके रहना चाहिए। हमें और आप पूरी धरती का मालिक बना दिया जाए तो भी ईश्वर के बिना कभी भी हमारा काम नहीं चल सकता। शंकर के भक्तों को, पुजारियों को कहा गया है, जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो आदित्यवार यानी रविवार के दिन पंचगव्य से स्नान करिएगा। पंचगव्य पांचों चीजों को मिला करके और आप स्नान करें। श्लोक नंबर 111 नंबर के श्लोक में यह बात कही गई, आ देवारे पंचगव्य ही अभिषेको विशेष्यते, गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम क्षीराद्यम च पृथक चैव मधुनाम चक्षुसारकै। पंचगव्य से खुद नहाएं और पंचामृत से भगवान को नहलाएं। पंचगव्य में क्या क्या होता है वर्णन है, गोमय गोमूत्र गाय का दुग्ध गाय का दही और गैया का घृत, इसको पंचगव्य कहते हैं। गौ दुग्ध आदि से पृथक पृथक स्नान, पहले स्नान करते हुए देवताओं को स्नान कराएं, शहद से गन्ने के रस से गौ माता के दुग्ध से, यह भगवान को स्नान कराने की बात बताई गई है। चावल की खीर का भगवान को भोग लगाया जावे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा ऐसे कल्याण कर देगा। इन सब चीजों का इतना प्रभाव है, इतना कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि हमें इस छोटी सी उम्र में कितना कुछ मिलेगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जप करें, जो 36 करोड़ जप कर लेता है वह निश्चित रूप से भगवान महादेव का दर्शन कर लेता है, ऐसा वर्णन है। 36 करोड़ ओम नमः शिवाय जिसने जप कर लिया, साक्षात भगवान महादेव का उसने दर्शन कर लिया। भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, ओम नमः शिवाय इससे बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। और है बहुत मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, पशुपति व्रत का मंत्र है, और भी कई मंत्र हैं, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र ही नहीं। सहस्र मंत्र जपत तेन नित्य शुद्ध भवेत पुमान। गंगा जल की तरह वह लोग शुद्ध हो जाते हैं जो 1000 बार जप नित्य कर लेते हैं। अपने इष्ट के हिसाब से किसी भी देवता का 1000 बार आप जप कर लेते हैं, गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। 1000 का मतलब है 10 माला, एक माला में 100 होते हैं ना, 10 माला में 1000 हो गया। 108 मनके की माला होती है तो 8 तो डिस्काउंट कंसेशन में चले गए, गिनती 100 की ही होती है, 100 की होती है। तो 10 माला जिसने जप ली, क्या अद्भुत बात कही है। इसमें वर्णन है कि जितना पवित्र गंगा का जल होता है वह लोग उतने ही पवित्र हो जाते हैं
जो 1000 नाम भगवान के नित्य लेते हैं, रोजाना लेते हैं, लिखा है सहस्र मंत्र जपते न नित्य शुद्धो भवेत पुमान, वो शुद्ध हो जाते हैं। तथा परम सुसिद्ध्यर्थम जपो भवती ही ध्वजां, जो 1000 नाम रोज जपते रहेंगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मंत्र उन्हें छोड़ेगा नहीं, वो सो रहे होंगे चल रहे होंगे तो भी अंदर से मंत्र निकल रहा होगा। एव अष्टोत्तर शतकोट जपत्पेन वही पुनः, ग्रंथ कहता है महादेव कहते हैं कि धरती पर मेरे तो ऐसे ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों मंत्र मेरे जपे हैं, और उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दर्शन देता हूँ जैसे मैं गणेश कार्तिकेय और भवानी और नंदी के पास रहता हूँ, और भक्तों के पास में मेरा ऐसे ही रहना होता है जो मेरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप है। भगवान शंकर की पिंडी की आप पूजा करते हैं तो उसमें भी काली मिर्च ऐसे चढ़ाते हैं जैसे आप लौंग चढ़ाते हैं भगवान को, जैसे आप भगवान को इलायची चढ़ाते हैं ऐसे ही काली मिर्च भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। भगवान महादेव को काली मिर्च चढ़ाने से जीवन में रोग नहीं रहते, जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रु